उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सूबे से अपराध और अपराधियों को खत्म करने के लिए एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत प्रयागराज में 50 से ज्यादा माफिया, भू माफिया और हिस्ट्री सीटरों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवाकर जमींदोज किया जा चुका है। इसी अभियान के तहत आज विकास प्राधिकरण ने माफिया और बाहुबली नेता अतीक अहमद के खास करीबी मोहम्मद असाद के करेले इलाके में बन रहे 3 मंजिला मकान पर बुलडोजर चलवाकर उसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। अतीक के इस गुर्गे ने अपनी हनक के बल पर पौश इलाके में 300 वर्ग गज में 3 मंजिला मकान बिना पीडीए के नक्शा पास कराए बनवा रहा था, जिसे आज पीडीए के अफसरों ने भारी पुलिस बल के साथ 4 बुलडोजर लगाकर जमींदोज कर दिया। हालांकि इस दौरान नीचे का पिलर तोड़ने की वजह से पूरा मकान एक बारगी धराशायी हो गया, जिसमें पीडीए का बुलडोजर मलबे में दब गया। जेसीबी का ड्राइवर भी बाल बाल बचा। सरकार की मंशा के अनुरूप जो कार्रवाइयाँ गुंडे माफियाओं और इनके विरुद्ध इनको कमजोर करने, इनको हतोत्साहित करने के संबंध में जो की जा रही हैं, उस क्रम में आज ये 54वीं कार्रवाई है जो असाद नाम के व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से करेली थाना क्षेत्र में निर्माण किया गया है। आज उसी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। ये इस अवैध निर्माण का एरिया लगभग 300 वर्ग गज है और 3 मंजिला निर्माण है। इसकी लागत जो अनुमानित है 1 करोड़ के लगभग हो सकती है और ये पूर्णतया अवैध रूप से निर्मित है। इसमें कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं है और किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है। ये 54वीं कार्रवाई है, 54वीं कार्रवाई चल रही है। असाद अतीक अहमद का दाया हाथ माना जाता है। अतीक अहमद की जमीन की खरीद फरोख्त और प्लॉटिंग यही करता है और हर महीने अतीक को ये गुजरात जेल में बिजनेस का कमीशन भी पहुंचाता है। अतीक के इस गुर्गे को रंगदारी मांगने के एक मुकदमे में पुलिस ने जेल भेजा था, हालांकि इस वक्त वो जमानत पर बाहर है। प्रयागराज में अब तक 2 दर्जन से ज़्यादा अतीक अहमद के गुर्गों का निर्माण ध्वस्त किया जा चुका है। आने वाले समय में अतीक के बाकी गुर्गों की प्रॉपर्टी पर भी कार्रवाई होनी है। हमारे बताने की चीज कौन देखना।